गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं वो एक अच्छी खुशखबरी, मतलब मस्त वाली खुशखबरी के लिए है। और वो खुशखबरी ये है कि बच्चे जब फ़ोन लगा के पूछते हैं कि मैम हम स्टाफ को, अपने कॉलेज को मिस कर रहे हैं, आप हमें कब बुलाएंगी, तो चलिए इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और राज्य सरकार का आदेश दिनांक 12 को हमें प्राप्त हो गया है। और उसमें 1 सितंबर बुधवार 2021 से 50% क्षमता के साथ हम अपने विद्यार्थियों को कॉलेज बुला सकते हैं और फिर हम एक दूसरे से रूबरू हो सकते हैं। और ऑफलाइन हमारी जो कक्षाएं हैं, परीक्षा कार्यक्रम है, प्रायोगिक कार्यक्रम है, जो अधूरा छूट गया था 16 अप्रैल के बाद, हम उसे पुनः लागू कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं और अपना जो कार्य है बिल्कुल पहले की तरह चला सकते हैं। लेकिन ये जो बीच बीच में जो व्यवधान हो रहा है और राज्य सरकार ने जो कॉलेज और कोचिंग रीओपन करने की बात कही है, तो उस दृष्टि से हमें भी राज्य सरकार से सहयोग करना चाहिए। आप पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कैसे, तो देखिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। वहाँ पर एक गाइडलाइन में ये भी आया है, राज्य सरकार की जो आदेश पालना आई है उसकी गाइडलाइन में ये आया है कि स्टाफ मेंबर्स जो फैकल्टी हैं वो, और साथ में 50% क्षमता के अनुसार आने वाले विद्यार्थी, इससे ज़्यादा सीटिंग नहीं होनी चाहिए, तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो हमें डाउनलोड करना है। हमें एक कोविड हेल्पलाइन वाली साइट दी हुई है, गवर्नमेंट कोविड हेल्प कोविड इन ऐसी वाली कोई एक हेल्पलाइन है, उस वेबसाइट पर जाकर हमें क्या करना है, हमें वेबसाइट का एड्रेस भी दे रखा है, हमें वहाँ पर जो हमारे सर्टिफिकेट हैं जो हमने जो वैक्सीनेटेड होने के बाद हमें प्राप्त हुए हैं हमारे मोबाइल पर, वो हमें डाउनलोड करने। तो जो भी बच्चे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है या नहीं करवा पा रहे हैं और उनका जो समय सीमा दी गई है, यदि वो पूरी हो गई है और वो लगवा सकते हैं कोविशील्ड वाला 84 और कोवैक्सीन वाले 24 डेज में, तो प्लीज़ लगवा लें आप, क्योंकि हम एक छोटा छोटा सा सहयोग करके भी अपने वातावरण को अच्छा बना सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं कि हम इस कोविड-19 से दूर रहें, हमारा जो समाज है और हम जो हैं हम स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, बच्चों को प्राप्त हो गई होगी सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन मेरा भी नैतिक दायित्व बनता है कि मैं आपको बताऊं कि जितनी प्रतीक्षा आपको महाविद्यालय आने की है उतनी ही प्रतीक्षा महाविद्यालय के जो आपका स्टाफ है, आपकी प्राचार्य हैं, आपके संस्था प्रधान हैं, उन सबको भी महाविद्यालय में आपकी चहलकदमी बहुत अच्छी लगती है। अभी हम लोग आते हैं, ऑनलाइन टीचिंग का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये सब कुछ सूना सूना सा ही रहता है। आपके बिना जो गतिविधियाँ हैं वो बहुत सारी, जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं बहुत सारी और जो कार्यक्रम हैं हमारे, वो अपूर्ण ही हैं। बस हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। मैं एक बार वो नियम जो हमें राज्य सरकार के आदेश पालना के सर्कुलर से प्राप्त हुए मैं दोहरा देती हूँ। गेट पर नो मास्क नो एंट्री वाला बोर्ड रहेगा, आपको मास्क का प्रयोग करना ही करना है। आप मास्क ना लगाने की कोताही या लापरवाही ना बरतेंगे। हमेशा जब आप एंटर होंगे क्लासरूम में होंगे और जब आप कॉलेज से छुट्टी होने के बाद आप जाएंगे, तो 2 गज की दूरी का हमें ध्यान रखना है। हमें हमारे परिसर को सैनिटाइज कराना है, इसके लिए हमारी एक बैठक हो चुकी है, इसमें हमने निर्णय ले लिया है। सैनिटाइजेशन का हमें ध्यान रखना है, सैनिटाइज़र की व्यवस्था महाविद्यालय में भी है, आप अपनी स्वयं भी बोतल ला सकते हैं। अनावश्यक वस्तुओं को, बहुत ज़रूरी हो तभी छुएं, अनावश्यक वस्तुओं को आप हाथ ना लगाएं और अनावश्यक रूप से भी हाथ ना लगाएं। तो हम यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो ईश्वर ने चाहा तो कभी ऐसी लॉकडाउन की स्थितियाँ नहीं आएंगी और हम नियमों का पालन करेंगे और हमें करना चाहिए, क्योंकि जो समाज है वो भावी शिक्षक को एक आदर्श के रूप में देखता है। वो ये मानता है कि शिक्षक के द्वारा किया गया कार्य समाज को उन्नति की ओर ले जाता है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम समाज को सही राह पर चलाएं। इसके लिए हम आदर्श बन के उदाहरण उपस्थित कर सकते हैं। यदि किसी भी विद्यार्थी का अगर कोई यूनिट टेस्ट छूट गया है, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में डाला था, जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन जो हमने टेस्ट लिया था उस टेस्ट वाले कार्यक्रम से, प्रोसेस से किसी भी कारण यदि वंचित हो गए हैं,
तो जब भी ऑफलाइन का कार्यक्रम हमारा शुरू हो रहा है, एक सितंबर के बाद आप आकर या 1 सितंबर को आकर आप नया टाइम टेबल महाविद्यालय से ले सकते हैं। साथ ही आप अपनी जो परीक्षा का कार्यक्रम है उसे भी आप पूर्ण कर सकते हैं। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। यदि किसी का एपीसी का वाइवा छूट गया है, और स्पेशली वो 10 बच्चे जो विश्वविद्यालय के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं श्री अना सागर टीटी कॉलेज के, तो मेरा उनसे भी ये आग्रह रहेगा कि जो भी डायरी से संबंधित कार्य, टेस्ट से संबंधित कार्य, जिसे आप यूनिट टेस्ट कहते हैं या इकाई परख कहते हैं, यदि छूटा हुआ है, अपूर्ण है, आप नहीं कर पाए हैं, या सत्रीय कार्य भी अपूर्ण है, आप नहीं कर पाए हैं, ईपीसी का वाइवा नहीं दे पाए हैं, जो भी महाविद्यालय के द्वारा कार्य करवाए जाते हैं, SCPW कैंप है, कुछ भी जो करवाया जाता है, यदि अपूर्ण लगता है आप, तो आप महाविद्यालय में आकर, क्योंकि अब हमें राज्य सरकार का आदेश प्राप्त हो गया है, तो 1 सितंबर से अगर आप आना चाहें किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी बात की जानकारी के लिए, तो महाविद्यालय में आ सकते हैं। लेकिन जब भी महाविद्यालय सैद्धांतिक कक्षाओं का आयोजन करेगा, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रार्थना नहीं करानी है, असेंबली हमारी नहीं लगेगी, और जो बच्चों का प्रवेश रहेगा वो भी 50% क्षमता के साथ रहेगा। तो आइए इस खुशखबरी को हम आपस में शेयर करते हैं, इंजॉय करते हैं, और जल्दी से इंतज़ार करते हैं 1 सितंबर का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये वो खुशखबरी है जो आपको तरोताज़ा कर देगी और आपको हंसाएगी कि अब तो हमें कॉलेज के रास्ते पर जाना ही है।